रजत जी आपका रुख कर दूंगी। रजत जी आवाज आ रही है आपको? जी मैं आज आपकी तरफ से भी एक बड़ी बैठक बुलाई गई है, क्या किस रणनीति पे आगे चलने वाली है इनेलो? आधार क्या होगा टिकट बंटवारे को लेकर? देखिए इंडियन नेशनल लोकदल में हमेशा ही जो टिकटों का बंटवारा होता है वो वर्कर्स जो होते हैं हमारे कार्यकर्ता होते हैं उनसे पूछ के उनसे सलाह लेके किया जाता है और इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए आज हमारी कार्यकारिणी में जो फैसला हुआ है, हमने एक टीम गठित की है, एक सीनियर लीडर की लीडर्स की एक कमेटी गठित की है, उसमें हम गांव-गांव जाएंगे और गांव-गांव जाके जो गांव का रिस्पांस होगा, जो वहां के लोग चाहेंगे, जो वो हल्के के लोग चाहेंगे, जो भी लीडर को वो चाहेंगे, 4-5 नाम हम प्रस्तावित करेंगे या उनसे भी हम नाम लेंगे, तो जो भी नाम वो हमारे को सजेस्ट करेंगे वो उनसे सलाह करके आदमपुर की जो जनता है उससे सलाह करके मशवरा करके हम वो कैंडिडेट उतारेंगे। आधार हमारा ये है कि मैं 2019 तो हमारा लास्ट मोमेंट के ऊपर हमारे साथ भीतरघात हो गया था, तो 19 का तो हमारा कोई हम आकलन उसके हिसाब से नहीं करते क्योंकि हाल ही में हमने आदमपुर का भी जो उपचुनाव है सारी पार्टीज के अगेंस्ट हमने जीता है और तो बहुत अच्छा जनाधार इंडियन नेशनल लोकदल का है, और हाल ही में 25 सितंबर की जो रैली थी उसमें लाखों का जो जनसमूह वहाँ पे आया, बरसात के मौसम के बावजूद जो लाखों की भीड़ जनसैलाब वहाँ इकट्ठा हुआ, तो पता चल जाना चाहिए भाजपा के प्रवक्ता को कि हमारा जन आधार कितना है या हमारे नेता इस पार्टी का कैसा जन आधार है। आपके साथ तो आप दो बाई इलेक्शन हार चुकी है भाजपा जो है, मुद्दे बहुत से रहेंगे मनु जी, और जो जहाँ तक कांग्रेस का और भाजपा का के संदर्भ में मैं बात करूँ तो 2014 को मैं बड़ा निर्णायक सोचता हूँ कि मानता हूँ, क्योंकि उसमें पार्टीज ने अपने अपना अपना अलग दमखम था। निश्चित तौर पे दबदबा जो है भजनलाल परिवार का इस सीट पे रहा है हमेशा से, लेकिन 2014 में हमारे 40,000 वोट थे इंडियन नेशनल लोग, और जहाँ भाजपा एक बड़ी पार्टी अपने आप को कहती है और उसके बाद कांग्रेस कहती है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का 8.47 वोट शेयर था, बीजेपी का सिर्फ मात्र 6.9 और हमारा 32.78, तो बड़े 15-16 मार्जिन के से ही हम हारे थे वो। तो वहाँ पे कांग्रेस का जनाधार नहीं है, भजनलाल परिवार का जनाधार है ये मैं मानता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, उनकी सीट रही है पुरानी, और कांग्रेस का वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस की तो मुझे लगता है जमानत भी नहीं बचा पाई। इंडियन नेशनल लोकदल के बीच में और भजनलाल परिवार के बीच में डायरेक्ट फाइट होने होगी संभव है, क्योंकि इसके ऊपर एक देखिए मनु जी सबसे मेन फैक्टर जो यहाँ देखना पड़ेगा वो ये है कि ये इलेक्शन किस सर्कमस्टेंसेस में हो रहा है, क्या ये इलेक्शन बाय डिफॉल्ट इलेक्शन है, ये बाय डिफॉल्ट इलेक्शन या किसी का स्वर्गवास हो गया हो जैसे बरोदा में स्वर्गवास हो गया था हुड्डा जी का, या फिर कोई कॉज हो जैसे काले कानून थे, कृषि काले कानूनों के लिए हमने इस्तीफा दिया था, तो ये इलेक्शन जो है ये बेवजह थोपा जा रहा है जनता के ऊपर। तो पहले तो जनता को ये देखना पड़ेगा कि सोनाली जी जो इनकी नेता थी जिन्होंने पूर्व इलेक्शन लड़ा था, बजाय उनके घर परिवार के बारे में बात करने के, बजाय उनकी मदर के बारे में बात करने की, उनकी बेटी के बारे में बात करने के, यहाँ चर्चा क्या हो रही है कुलदीप बिश्नोई के बेटे के बारे में, कुलदीप बिश्नोई के बारे में? देखिए यहाँ जो है ये बहुत ज्यादा रोष है जनता में, जो कुछ भी सोनाली जी के साथ हुआ, चाहे जो भी रफा दफा करने की इन्होंने कोशिश करी, सीबीआई के उनके तलवे चटवा दिए, मैं कहता हूँ धक्के खिला खिला उनका बुरा हाल कर दिया, उस बेचारी मासूम बच्ची का, उनकी माँ का, उनके परिवार का, बार बार उनको मुख्यमंत्री के पास जाना पड़ा, फिर भी सीबीआई इंक्वायरी नहीं हुई, तो बहुत ज्यादा जब सारा दबाव हो गया उसके बाद ये सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर करते हैं, और सीबीआई इंक्वायरी कब ऑर्डर करते हैं, जो सीन ऑफ क्राइम है, क्राइम का जो सीन है, जो प्रॉपर्टी में जहाँ क्राइम हुआ वही उन्होंने ढा दी बुलडोजर से, कर्टिस जो लॉन्च था, जब वहां पे या तो वो प्रॉपर्टी क्राइम प्रॉपर्टीज को सील करना चाहिए, ठीक है रजत जी, ठीक है, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक है, आपकी बात आ गई है।